नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं इस साड़ी का रीयूज करने जा रही हूँ। तो ये डबल कलर साड़ी है, तो इसमें दो डिजाइन है, एक तो ये और एक ये प्लेन। तो आज मैं इस साड़ी से सूट की कटिंग करूँगी। और वीडियो पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम साड़ी की लेस निकाल देंगे, और साड़ी की लेस भी निकाल देंगे, और इस साड़ी में फॉल भी लगी हुई है तो उसको भी निकालना होगा। और फिर ही देखते हैं हम इस साड़ी का मतलब कहाँ से क्या निकलेगा। मतलब ये डबल कलर साड़ी है, तो देखिए साड़ी की फॉल लेस निकाल दी है, और अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है, और इसका मैं प्लाजो बनाने जा रही हूँ मेरे लिए। तो मैं इसमें कोई अस्तर वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये साड़ी बहुत मोटी है और इसी का अस्तर लगा लूँगी। और तो मैंने मेरी कमर ली है 12 इंच, तो 12 इंच का फोर्थ पार्ट मतलब 36 इंच की मेरी कमर है, तो मैंने 12 इंच लिया है ऊपर से। और हीप लिया है मैंने 14 इंच का, और इसका आसन भी मैंने 12 इंच का लिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा है ऊपर बेल्ट को फोल्ड करेंगे, और नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा है बॉटम के लिए। तो वैसे ये साड़ी की फुल लंबाई है ये, क्योंकि ये साड़ी की फुल लंबाई 42 इंच की थी, तो 2 इंच मोरी के लिए रह जाएगा, और 2 इंच कमर के जो हम इलास्टिक डालेंगे बेल्ट के लिए तो वो रह जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो आप चाहो तो अगर नीचे से घेर ज़्यादा रखना चाहते हो प्लाजो में तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, और थोड़ी सी यहाँ क्रोंच के नीचे से थोड़ी सी गोलाई देनी है। और अगर आप मेरे जैसे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा नहीं पहनना चाहते हो तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो कपड़े की। और देखिए मैं कोई अस्तर नहीं लगा रही हूँ, इसी कपड़े को मैंने डबल लिया है, और फिर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सीधी साइड बाहर की ओर रखेंगे दोनों कपड़ों की, और यहाँ पर किनारी पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेंगे और इस प्रकार सिलाई लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इस कपड़े को उल्टा करके फिर सिलेंगे ना, तो अंदर से सफाई बहुत अच्छी आएगी और कहीं भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार मैंने कपड़े के चारों ओर सिलाई लगा दी है, और थोड़ा सा एक हाथ डाले इतना सा थोड़ी सी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, जिससे हम इसको सीधा कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों पैरों को एक जैसे ही सिलाई लगाकर इसको सीधा करने देना है। देखिए आप देख सकते हो वीडियो में, इस प्रकार दोनों कपड़ों को सिलाई लगाकर इसको सीधा कर देंगे, तो कहीं भी धागे वगैरह कुछ भी नहीं निकलेंगे। और फिर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था नीचे बॉटम के लिए, मोरी के लिए कुछ भी बोल सकते हो। तो जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उतना इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस प्रकार। और आप चाहो तो यहाँ नीचे की साइड में लेस भी लगा सकते हो, पर मैं लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो किसी भी कुर्ते के साथ में पहने तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ, और इसको 2 इंच इतना फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद में क्या करेंगे कि इसको फिर इस तरीके से मिलाकर और इसकी सिलाई लगा देंगे। जहाँ हमारा आसन है वहाँ तक हमें सिलाई लगा देना है इस प्रकार। तो दोनों पैरों की इसी प्रकार हमें जो बॉटम होती है 2 इंच की फोल्ड करके, और फिर दोनों पैरों की सिलाई लगा देनी है आसन तक, यहाँ तक आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। और फिर क्या करना है कि एक पैर को तो हमें उल्टा ही रखना है, और दूसरे पैर को हमें सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ जो क्रोंच की सिलाई है दोनों को मिलाते हुए एक पैर को अंदर डाल देना है, तो एक पैर उल्टा रहेगा और एक पैर सीधा रहेगा। और इस प्रकार अंदर डालते हुए हम गोलाई में सिलाई लगा देंगे, और इस प्रकार गोलाई में सिलाई लगाओगे तो प्लाजो एकदम अच्छे से बैठेगा। और नहीं तो हम बहुत बार क्या होता है कि हम प्लाजो सिलते हैं तो बीच में से खिंचाता रहता है और बीच में से ऊपर भी चढ़ता है, तो आपके प्लाजो में ये समस्या नहीं रहेगी और अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस प्रकार एक पैर को
दूसरे पैर के अंदर डालते हुए इस प्रकार रोंज की सिलाई इस प्रकार गोलाई में लगानी है। और वैसे तो आज मैं थोड़ा सा इसका कटिंग का वीडियो सही नहीं बता पाई आपको, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी स्टैंड सही नहीं काम कर रही थी, थोड़ा क्या पता उसका स्क्रू वगैरह कुछ लूज हो गया था तो मोबाइल टिक नहीं रहा था उस पर, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है और फिर दूसरे पैर को वापस से निकाल कर इसको सीधा कर देना है। आप इस प्रकार वीडियो में देख सकते हो, देखिए सीधा करने के बाद में कितनी अच्छे से एकदम गोलाई में सिलाई लगी है और बिल्कुल भी नीचे से नहीं खिंचाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। बस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितना हमें इलास्टिक डालना है उतना इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो मेरा इलास्टिक 2 इंच का ही है, तो मैं 2 इंच फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है और सिलाई मैंने शाम को खाना खाने के बाद में ही लगाई थी, क्योंकि फिर शाम हो गई थी तो मैं खाना बनाने लगी थी। और अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी इलास्टिक डालने के लिए, तो इलास्टिक डालकर फिर इसके इलास्टिक की सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना हमारा प्लाजो साड़ी का। तो इलास्टिक डाल देंगे और देखिए हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गए हैं और 10-15 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा, और पता भी नहीं चल रहा है कि ये प्लाजो हमने साड़ी से बनाए हैं, और मैंने इसमें अस्तर भी नहीं लगाए हैं, साड़ी को ही डबल करके बनाए हैं। तो साड़ी भी बहुत लचकदार कपड़ा था, तो बहुत ही अच्छा बनाए हैं प्लाजो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।